हो गया, एक बार कहना है, एक बार कहना है, बैठ जाइए, हो गया हो गया, जय हिंद, हो गया हो गया। गुड मॉर्निंग। हाँ बात देख लिए, देख लिए। हाँ हम लोग अपना बच्चा के आप सोनपुर मेला में भी रहेंगे तो देख लेंगे। हाँ ये तो क्लास है ना। हाँ ओ लगा हुआ है। ओ जल्दी जल्दी बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी बायो सेल हो गया है, सेल कोशिका हो गया है। ओ ब्लड ब्लड हुआ नहीं ना है। अच्छा अभी रहने दीजिए, ठीक है। हाँ ए सब आदमी भारतीय के है ना। ओ तब ठीक है ठीक। हम वो लगा सब विदेश आ रहा। जूलॉजी है। अच्छा वो अपने हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा सबतर करने से गड़बड़ाता है ना, कोनो एगो टॉपिक हो उसको ऑपरेशन कर देना रहता है। हाँ 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 अब दूगो उसमें, दूगो उसमें तो गड़बड़ा जाता है। हाँ। हाला एकदम बंद कीजिए, बैठा नहीं ना, बैठ जाने पर ना चालू होता है। वाह ठीक है, आप लोग ठहरा होकर देखिए, आप लोग बैठे हुए बहुत आदमी खड़ा भी है, ठीक है, सिर्फ पढ़ने से मतलब रखना है। आप लोग दूसरे तीसरे जगह भी मन लगाने लगते, यही दिक्कत हो जाता है। जब पढ़ाई हो तो उस वक्त पढ़ाई करना है। पूरा आशीर्वाद है। ना आप लोग को तो दे चुके हैं तो। हाँ हाँ आप लोग तो अब हनुमान जी हो गए हैं। हाँ तो स्टार्ट कर दे। हाँ ये स्टार्ट कर देंगे तो कुछ बैठ भी जाता है। हाँ हाँ
ऐसे किसी के बगल में आप खड़ा हो जाइए तो बैठने के लिए नहीं कहता, लेकिन स्टार्ट कर दीजिएगा तो बगले वाला तब तो कहता था बैठ जाओ, कहता है ना, तब शुरू कर देते हैं आप। और कोशिकों को सेल कहा जाता है, वाह बहुत बढ़िया। देखिएगा कोशिका जो शब्द है, शब्द एक किस भाषा से लिया गया है, ये जो कोशिका जो शब्द है या किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा यानी कहने का अर्थ कि अंग्रेजी शब्द, तो क्या लिख दे, हाँ पहले लगभग चीज का जो खोज हुआ उसका भाषा जो था वह मूल रूप से लैटिन भाषा ही था। आज भी आप साइंस में देखते हैं जितना लैटिन भाषा का ही सांकेतिक अक्षर ये सब बनता है ना। तो ए बताइए कोशिका का जो खोज है या आपका कौन किया था खोज, तो कौन, रॉबर्ट हुक। सही, आपका खोज कहेंगे तो आपको रॉबर्ट हुक कोश। लेकिन भले कोशिका का खोज तो हाला कम कीजिए, सुनिए, जब पढ़ाई चालू हो तो एकदम चुपचाप हो जाना है, बाकी के लिए हम रह रहा के टॉनिक लेते आएंगे ना हम, ठीक है, उसके लिए टेंशन करना नहीं है, पहले पढ़ाई के वक्त थोड़ा चुपचाप हो जाना। तब भले आपको खोज कौन किया, तो रॉबर्ट हुक, खोज तो जरूर रॉबर्ट हुक किया, लेकिन कोशिका शब्द दिया कौन, अब इसी में से अपने आप जो पढ़े हैं वो धराधर क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो अपने फिगर बन जाएगा, आपको कहां वायरस लगा है वो हम अपने समझ जाएंगे। हम भले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक जरूर किया, लेकिन कोशिका शब्द भी कौन दिया 1665 में, तो वो भी आपका रॉबर्ट हुक। लेकिन कोशिका सिद्धांत कौन दिया, हाँ ये जो है सिद्धांत जो है आपका कौन दिया, यही कह रहे थे कोशिका सिद्धांत कौन दिया, स्लाइडेन एवं स्वान, कौन दिया, क्या लिख दिए, स्लाइडेन एवं स्वान। लेकिन कोशिका का विभाजन का विचार कौन दिया, कि कोशिका को विभाजित भी किया जा सकता है, यह विचार कौन दिया, हाँ अरविंद घोष। कितना बिरचाऊ, कौन ज्यादा नाम व्यक्ति है तो, हाँ ये जो है आपका कौन, आपको बिरचाऊ। देखिएगा यही शब्द टर्म में उलटता है सब, इस सब टर्म में थोड़ा ध्यान रखना है क्या पूछ रहा है, ठीक है, बस इसी पर थोड़ा फोकस दे देना है, क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाता है। इस टर्म पर आप ध्यान नहीं दिए रहते हैं इसलिए लगता है कि विभाजन सिद्धांत शब्द खोज और भाषा सब एक ही लगता रहता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जीवाणु में सबसे पहले जीवित कोशिका का देखने का वर्णन कौन किया था ना, हाँ अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए जीवित कोशिका में
ने देखा या वर्णन किया ये सब। तो एक और ल्यूवेन, आप ये भी जानते हैं कि बैक्टीरिया का भी खोज कौन किया था? ल्यूवेन हॉक। और जीवित कोशिका में जो है वर्णन करने का काम या देखने का काम सबसे पहले कौन किया था? तो ल्यूवेन, ल्यूवेन हॉक। अभी सब नाम में अंतर आपको बुझा रहा है? ना, ये सब तो बहुत बार पूछ चुका है। अब जो जैसा एग्जाम रहता है उस लेवल का थोड़ा बढ़ा देता है। हाँ, देखिए क्वेश्चन का लेवल होता नहीं है, लड़का का लेवल होता है, ये बात आप समझ जाइए। हाँ हाँ हाँ, ना आप जैसे आप जाते हैं तो पीटी आप देते हैं, तो पीटी में बकरी भेड़ शेर सब एग्जाम देता है ना, तो उसमें से क्या होता है, ज्यादा सीट होने के कारण ज्यादा रिजल्ट होता है। आ जब मेंस हो जाता है तो उस शेर शेर में मार हो जाता है ना। अगर पीटी में, अब कहिएगा कि क्वेश्चन कोई मायने कैसे नहीं रखता है, अब देखिएगा पीटी में अगर दो चार गलती भी आप कर देते हैं तो फेंकाते नहीं है, रिजल्ट आपका आएगा। लेकिन अगर वही गलती अगर आप पीटी में कर देते हैं, आपका मार तो शेर शेर से है, तो उसमें आपका फिर बचने का कोई गुंजाइश नहीं है। आप पीटी में दो चार अगर आप गलती कर लेते हैं तो आप शेर है तो बकरी से तो 10-15 आगे रहता ही है लोग ना। तो ध्यान रखिएगा लड़का का लेवल होता है क्वेश्चन में। कोशिका अब जो है इसके बारे में जो हम लोग जानकारी या समझते हैं या पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। क्या है आपको? साइटो, बहुत बढ़िया। क्या है आपका? साइटोलॉजी। यानी साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कोशिका का अध्ययन होता है। फिगर आपका तैयार है, एक बार देख लेते हैं। कोशिका का जो अध्ययन होता है यानी सेल का, वो क्या कहलाता है? देखिए कोशिका जो शब्द होता है वह किस भाषा से लिया गया है? देखिए कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया? देखिए सबसे पहले कोशिका शब्द कौन दिया? रॉबर्ट हुक। कौन दिया आपको? रॉबर्ट हुक। लेकिन कोशिका का सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। कौन दिया आपको? स्लाइडेन एवं स्वान। लेकिन कोशिका विभाजन का विचार कौन दिया था? बिरचाऊ। लेकिन जीवित कोशिका में सबसे पहले देखा आपका कौन या उसका वर्णन कौन किया? ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक जो है आपका बैक्टीरिया का भी जनक या पिता माना जाता है, यानी बैक्टीरिया का भी खोज कौन किया? तो ल्यूवेन हॉक। और जीवित कोशिका में भी सबसे पहले विचार दिया या वर्णन किया या देखने का काम कौन किया? वो भी कौन? ल्यूवेन हॉक। हटाएं, लेकिन कोशिका का सबसे प्रमुख भाग या अंग कौन होता है? केंद्रक ना। क्या होता है आपका? केंद्रक। यानी प्रमुख भाग लिख दें ना, पिक्यूलियर लिख दें और न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये आपका कौन? केंद्रक। लेकिन आप बताइए सब चीज का यूनिट होता है ना, क्योंकि यूनिट से ही उसका निर्माण होता है। जैसे हम लोग का जो शरीर है बहुत सारा सेल मिलकर बना होता है ना, तो आप ही बताइए शरीर का यूनिट या इकाई क्या होगा? हाँ, ये सब कोशिका के बारे में है, सिर्फ क्वेश्चन में कोशिका लगा देना है। तो इसका यूनिट या किसका यूनिट? कोशिका का।
तो क्या लिख दे, यानी शरीर का यूनिट लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा ना। हाँ, काहे कि क्वेश्चन तो है ये है शरीर का, हाँ यूनिट या इकाई कौन हो जाएगा, सेल यानी कोशिका। लेकिन कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क किसको कहा जाता है, किसको, केंद्रक को, हाँ केंद्रकों को। कोशिका का मस्तिष्क या ब्रेन अगर आपसे पूछ देगा कौन, इसका मस्तिष्क या ब्रेन किसको कहा जाता है, केंद्रक को, किसको, आपको, केंद्रक को कहा जाता है। यानी सेल का ब्रेन या मस्तिष्क किसको कहा जाता है, फेफड़ा को और केंद्रक को, सही है आपका कौन, केंद्रक। लेकिन आप बताइए सबसे बड़ा जो जीवित होता है जीव में, यानी किसी जीव में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है। हाँ ठीक है, किसी जीव में सबसे बड़ा कोशिका, देखिए यहां क्वेश्चन में क्या लिखा है, जीव। हाँ, किसी जीव का सबसे बड़ा कोशिका कहेंगे तो क्या, शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच ना, शुतुरमुर्ग यानी उसका उसका अंडा। हाँ, शुतुरमुर्ग या लगभग 2 से 2.5 किलो, एक किलो नहीं होता है। हाँ तो काय नहीं बनेगा, देखिएगा आमलेट बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, हाँ बनना तो है ही, नहीं बनेगा तो ले आमलेट कैसे होगा। शुतुरमुर्ग देखिएगा, शुतुरमुर्ग और या ऑस्ट्रिच उसका क्या, अंडा का। लेकिन यही आपसे पूछ दिया जाए, मानव बाद पहले जीव आएंगे तब ना, वैसे गड़बड़ाइए जाएगा वो, फिर अंतर नहीं बुझाएगा। तो देखिएगा सबसे बड़ा किसी जीव का अगर कोशिका होता है तो शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है, और सबसे छोटा जीव कोशिका, सबसे छोटा जीव कोशिका और माइको प्लाज्मा, बड़ा जीव छोटा जीव। अब आएंगे मानव में, देखिएगा जीव में कह देगा बड़ा छोटा, तो बड़ा आपका ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग का अंडा, और वही कह देगा कि सबसे छोटा जीव का अंड कोशिका, तो कौन हो जाएगा, माइको प्लाज्मा। तो दोनों जीव आ गया। अब आएंगे मानव, मानव का सबसे बड़ा, अरे मानव का कहीं अंडा हुआ, सुनिए, मानव जो है स्तनधारी में आता है। हाँ, अमूल रूप से देखिएगा ना, ठीक है ठीक है, तेरा खोखी हो गया है। हाँ हाँ हाँ, रात बिरात जाते हैं अभी तो, थोड़ा थोड़े देर में गर्मी होने लगता है, पहनते कुछ नहीं है, अब जाएंगे तब होगा। सुनिए, तो स्तनधारी का 3-4 लक्षण होता है, अगर वह गुण उसमें पाया जाता है, ठीक है,
तब उसको माना जाएगा कि यह स्तनधारी है, अब नहीं गड़बड़ाएगा। अब उसमें गुण क्या होना चाहिए कोई, हाँ पहले बताते हैं तब ना दूसरा होता है। हाँ तो देखिएगा, उसमें पहला गुण जो है वह बच्चा पैदा करे, ठीक है। तब बताइए अंडा वाला क्या होगा, खत्म। अब आइएगा, ये बहुत बड़ा गुण होता है, और वो भी एक टाइम पीरियड पर बच्चा इशू हो ना, एक समय सारणी के ख्याल से, एक अवधि में। इसीलिए मनुष्य को परिपक्व बच्चा देने वाला स्तनधारी के ग्रुप में रखा गया है। दूसरा इसका जो लक्षण होता है, शरीर पर बाल होना, ये भी एक स्तनधारी का लक्षण है, नहीं है? केस मुड़ा लेना, छीन लेना, ये अलग बात हो गया। तो ओ इधर अब सुनिएगा, पहले सुनिए पहले क्वेश्चन। और तीसरा ऑप्शन है आपका कि आपको उसमें तीसरा दूसरा हो गया, अब तीसरा है आपका, नहीं नहीं तीसरा जो है दुई दंतक ना, कहने का अर्थ कि एक बार दूधा का दांत पढ़े होइएगा। स्तनधारी का गुण होता है कि ऊपर वाला जो दांत दिए रहता है वो सब क्या होता है, टूटता है, अब बाद में उसका फिर दूसरा आता है। तो ये भी जो लक्षण होता है किसका होता है, स्तनधारी का ही आपको होता है। ये भी है कि बच्चा को दूध पिलाए, माँ बच्चा को दूध पिलाए, ये भी स्तनधारी का क्या है, ये सब गुण है। लेकिन कुछ ऐसा भी स्तनधारी है जो इस गुण के विपरीत है, तो भी स्तनधारी के ग्रुप में रखा गया है। अब कहिएगा, अभी आपको बताए हैं कि स्तनधारी परिपक्व बच्चा देता है, लेकिन एक ऐसा स्तनधारी है जो अपरिपक्व बच्चा देता है, कांगाए चमगादड़ कहीं बच्चा दिया है, अपरिपक्व बच्चा यानी समय से पहले वो जन्म देती है और अपने थैला में वह बच्चे को पालन पोषण करती है, कौन हो जाएगा, कंगारू। तो आप, हाँ तो अपरिपक्व बच्चा का उदाहरण स्तनधारी कौन, एक व्हेल स्तनधारी है, व्हेल भी क्या है, स्तनधारी है, लेकिन बिना शल्क वाला स्तनधारी है, यानी इसके शरीर पर बाल नहीं होता है, तो भी साइंस इसको किस ग्रुप में रखा है, स्तनधारी। उसके बाद आपको बताए हैं कि जो बच्चा दे वही स्तनधारी हो, और जो बच्चा न दे वह स्तनधारी नहीं, लेकिन इसका भी अपवाद है। एकिडना और डकविल्ड प्लैटिपस कौन होता है, खाली स्तनधारी आप लोग न समझे, इतना कराना पड़ रहा है हमको। एकिडना और डकविल्ड न तो चल रहा था, सेल आ गए स्तनधारी में, इधर आइए। तो दो ही स्तनधारी है जो बच्चा ना देकर क्या देती है, अंडा, यही एकिडना और डकविल्ड प्लैटिपस ना। अंडा देने वाला को भी इसको साइंस क्या किया है, स्तनधारी में रखा है। कोई भी स्तनधारी जो है, आपको स्तनधारी में कहिएगा, मानव भी बड़ा विषैला होता है, ध्यान रखिए। अगर स्तनधारी में स्तनधारी में सबसे विषैला अगर कोई होता है, मानव से भी सबसे विषैला स्तनधारी डकविल्ड प्लैटिपस। मानव भी विषैला होता है, लेकिन इसके जैसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग हल्दी उल्दी खाने का गुण या प्रवृत्ति है ना, इसलिए मान लिया जाए। देखिएगा बच्चा सब झगड़ा कर लेता है तो दाढ़ी काट लेता है ना, गांव सब में देखिएगा वो कर लेता है, लेकिन उस समय उसको विष नहीं लगता है, क्यों, यही कारण है कि हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं, तो वहां तक कभी कभी उसका जो असर है दिख जाता है कभी कभी ना,
ऐसे नहीं करना है। एक ए हो गया। चलिए अब हम लोग मूल टॉपिक पर आएंगे। मानव देखिएगा, मानव लिखा हुआ है, मानव का सबसे बड़ा कोशिका कौन? सबसे बड़ा है ओभम। ओभम को ही ना हम लोग क्या कहते हैं, चमगादड़। अरे अंडालों की देखेंगे हम लोग, ओभम को ही क्या कहते हैं, अंडाणु। अब 12 हो गया तो मानव का सबसे छोटा कोशिका। क्वेश्चन में मानव और जीव लिखा रहेगा, मानव रहेगा तो मानव वाला मरना है, और जीव लिखा होगा तो ये दोनों ऑप्शन का उपयोग करना है। जीव में 12 और जीव में छोटा, और मानव में 12 और मानव में। सुनिएगा, वो सब आता है, वो सब नहीं निकल आता है। फिर लिखिएगा मानव का, हाँ, सबसे छोटा कोशिका भी लिख दीजिए, क्या होगा? सही है आपको, शुक्राणु या स्पर्म। बिना शुक्राणु के कोई पुरुष बाप नहीं बन सकता, और बिना अंडाणु के कोई महिला मां नहीं बन सकती। अब थोड़ा देखिएगा, फिर हम लोग कोशिके टॉपिक में आएंगे। कहता है, सुनिएगा, कहता है कि कोशिका मानव का सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म। लेकिन कोशिका का प्रमुख भाग कौन होता है, या शरीर का यूनिट या इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। कोशिका का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। किसी जीव का सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। लेकिन किसी जीव में सबसे छोटा कोशिका माइको प्लाज्मा का होता है। किसका होता है? माइको प्लाज्मा का होता है। लेकिन मानव का सबसे बड़ा कोशिका ओभम या अंडाणु क्या होता है? ओभम या अंडाणु। चलिए मैराथन तो कर दिए, तो अब आते हैं अभी कोशिके में। पादप यानी पेड़ पौधा, जंतु यानी तो समझिए रहे हैं। तो पादप में कोशिका का ना, पादप में जो कोशिका होता है उसका निर्माण कौन करता है, यानी किससे होता है? पादप में कोशिका का ना किसका, वही आपको कोशिका भित्ति का नाम सुने होंगे ना। हाँ, वही अंग्रेजी हुआ। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, आम तौर पर ज्यादा गुण होता है कोशिका भित्ति का। और सेकेंड ऑप्शन, अगर कोशिका भित्ति ना हो तो अब से कौन, कोशिका झिल्ली, कोशिका सेल मेम्ब्रेन कहिए अंग्रेजी। हाँ,
तो देख लीजिएगा फर्स्ट में क्या लिख दे, कोशिका को इसको सेल वाल कहा जाता है। हाँ, कोशिका फर्स्ट कर दें और सेकेंड में क्या लिख दे, कोशिका पादप है कि जंतु। अब हम लोग आएंगे जंतु में, पादप यानी पादप माने कोशिका भी थी नहीं तो पेड़ पौधा। हाँ, अब आइएगा जंतु में कोशिका का निर्माण। देखिएगा पादप में बताए हैं दोनों से, लेकिन फर्स्ट प्राथमिकता किसको? हाँ, सेल वाल को, और सेकेंड में सेल मेम्ब्रेन को। लेकिन अब आपका पादप नहीं है, जंतु है, तो जंतु में सेल का निर्माण आपको किससे होता है? किसका माने कोशिका झिल्ली लिख दे। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कोशिकांग, कोशिकांग का अर्थ होता है कोशिका का अंग, कोशिकांग का अर्थ कोशिका का अंग। सबसे बड़ा कोशिका अंग नहीं, नहीं। सुनिए सुनिए, अभी अभी सबसे बड़ा कोशिकांग, कोशिकांग माने कोशिका का अंग, वही केंद्रक। कोशिकांग का अर्थ हुआ कोशिका का अंग। आ यही अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ना, सबसे छोटा कौन होगा? केंद्रक झिल्ली, जो केंद्रक के पर ऊपर से मेम्ब्रेन होता है परत। केंद्रक झिल्ली, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोशिका का ऊर्जा कौन पहुंचाता है, इसीलिए इसको पावर हाउस या ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाता है। यानी सर कोशिका सेल में आपको एनर्जी कौन पैदा करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस या क्या कहा जाता, ऊर्जा गृह। इसमें कहने का कि कोशिका में इसमें ऊर्जा पहुंचाता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो कौन है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप बताइए पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसको कहा जाएगा? पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसको कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर यही कहे आपसे
कि कोशिका का आत्महत्या थैली, आत्महत्या थैली किसको कहा जाता है? लाइसो, लाइसो सोम को कहा जाता है। जगह नहीं है ना, अब रुकिए, कहीं पीछे वाला गड़बड़ा जाएगा, नहीं दिखाई देगा क्लियर तो। हाँ, अच्छा वो अपने आएगा फिर, सुनिए छोटा, ए कहीं छोटे में कहीं भाग ना जाए, देखिए तो। सुनिए वो अपने हो जाएगा, देखिएगा। हाँ आते हैं एक बार, पादप में कोशिका का निर्माण, पादप में को पहले हमको बोलने दीजिए। हाँ, पादप में कोशिका का निर्माण किसकी से होता है? फर्स्ट में कोशिका भी थी और सेकेंड में, लेकिन कोशिका का आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। लेकिन जंतु में कोशिका का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? कोशिका झिल्ली से। लेकिन कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका का अंग या कोशिकांग कौन होता है? केंद्रक। लेकिन कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन होता है? केंद्रक, झिल्ली। लेकिन आप बताइए, कोशिका में एनर्जी या ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन? आपको माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है? सही है, ऊर्जा पहुंचाने के कारण ही इसका नामकरण कर दिया गया है, पावर हाउस या ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? आपको माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? हाँ देखिए, राइबोसोम होता है ना, लेकिन उससे भी छोटा माना जाता है, उस पे जो परत जो झिल्ली होता है उससे भी कम होता है, ठीक है? हाँ, और उसके बाद ठीक है, राइबोसोम भी होता है उसी के बाद। हाँ, अच्छा अब ये हम बताते हैं, रुकिए रुकिए। रुकिए, अब प्राथमिकता कैसे होता है क्वेश्चन, उससे आप समझ जाइएगा कैसे ऑप्शन होता है तो कौन ज्यादा प्राथमिकता हो जाता है। अब इसी से हम क्वेश्चन नहीं बदलेंगे, सिर्फ आंसर बदलने से क्वेश्चन बदल जाएगा, और क्वेश्चन को हम छुबो नहीं करेंगे। लिख देते हैं विश्व का, एगो लिखिए कोई क्वेश्चन, विश्व का सबसे, हाँ विश्व का, विश्व में सबसे सबसे अधिक, हाँ जने संख्या लिखिए ना, ठीक। हाँ चाहो, अब है देखिएगा, देखिएगा सुनिएगा, अब क्वेश्चन को छूना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से ही उसको संतुष्ट कर देना है। किसको? इसको। अब हम आपसे पूछते हैं, सही सटीक होना चाहिए। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन है? हमको मालूम नहीं है। अरे रुकिए, पहले कौन है, लेकिन आपको जो है हम दे दिए हैं, कौन है नहीं है किंतु परंतु नहीं कहना है, आपको ऑप्शन से कहना है, इसमें कौन आंसर होगा? हाँ हाँ
अब देखिएगा इसमें आपका कौन आंसर होगा। अब हम सिर्फ ऑप्शन मिटाएंगे, क्वेश्चन वही रहेगा। थोड़ा ध्यान रखिए कौन होगा, कौन होगा। क्वेश्चन को छुए नहीं छुए, अरे ठीक से रहना है। इसीलिए कभी कभी हमको देखते होइएगा, हमको लिखना पड़ता है कि फर्स्ट ऑप्शन में ई मारिएगा और सेकेंड ऑप्शन में ए मारना है। मजबूरी बन जाता है कि कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन ना देकर सेकेंडे दे देता है। लड़का उसमें खोजता है, उसको मिलवे नहीं करता ना, इसीलिए। चलिए हम लोग कहां थे, हाँ, लेकिन हाँ, पावर हाउस जरूर कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, लेकिन आत्महत्या की थैली, कोशिका का एटम बम कौन, लाइसो, लाइसो लाइसो सोम, ठीक है। और कोशिका में प्रोटीन कौन पहुंचाता है, प्रोटीन के लिए जिम्मेवार कौन है, प्रोटीन पहुंचाता है ना, या प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें भी बेस्ट ऑप्शन ई होगा, मेन काम इसका है निर्माण करना ना, तब ना कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होता है, निर्माण होता है, यानी प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। हाँ, निर्माण यानी उत्पादन, आते हैं आते हैं। तो प्रोटीन का जो निर्माण जो करता है वो कौन करता है, राइबोसोम। कौन करता है, राइबोसोम करता है। लेकिन लेकिन प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है आपको राइबोसोम को, क्योंकि वहां प्रोटीन का उत्पादन होता है यानी निर्माण होता है। तो किसको लिख दे, लेकिन हाँ कौन, सेंस में ये कहिएगा, इसीलिए ना कह दिए हैं, क्यों कहे हैं ध्यान रखिएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लेकर न समझे तो पूछना ही चाहिए। फर्स्ट प्राथमिकता जो है किसको है, ए निर्माण उत्पादन, ठीक है, फर्स्ट प्राथमिकता। सेकेंड ए इसका सेंस है, लेकिन इसके लिए फिर फर्स्ट काम दूसरा करता है, हाँ, गोलिका वो ट्रांसपोर्टर का काम करता है, यानी यातायात प्रबंधक वो कहेंगे तो गोलिका है। रुकिए, फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए लगा देते हैं, अरे रुकिए ना, पहले हम जो कहते हैं सुनबे नहीं करते हैं आप तो। देखिएगा सबसे बड़ा अगर चीज कहेगा प्रोटीन का, इसमें क्या आपको पहला ही कर दिया, फर्स्ट प्राथमिकता किसको देना है, उत्पादन या निर्माण को ना। अब देखिएगा यातायात प्रबंधक ना, यातायात यानी ट्रांसपोर्टर का काम, यातायात प्रबंधक कार्य या ना, यातायात प्रबंधक या ट्रांसपोर्टर का कार्य कौन करता है, गोलजी, वही गोलजी का है ना, तो गोलजी, हाँ तो कौन, गोलजी का है। लेकिन यहां ध्यान रखना है, यही अब प्रोटीन पहुंचाने की बात हो तो गोलजी बॉडी, यही प्रोटीन पहुंचाने की बात हो
ना तो कौन? गोलजी बॉडी का काम होता है, इसको हटाइए देते ना तो आप लोग ध्यान नहीं देते। ये देते हैं रेयर केस में, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता है क्वेश्चन ना, तो उस सब है तो आप लोग उसको फर्स्टे मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, कोशिका का एटम बम किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लेकिन कोशिका में प्रोटीन का उत्पादन या निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। लेकिन यातायात प्रबंधक या ट्रांसपोर्टर के रूप में काम कौन करता है? और प्रोटीन पहुंचाने का भी काम गोल्जी काय करता है। तो एक कोशिका से तो अब नहीं छूटना चाहिए ना। इसके हाँ पूर्ण विराम तो है, इसके बाद कथी है। ओ तो 5 मिनट आए कि लगले शुरू।